मथुरा के चौमुहा में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे न्याय सप्ताह में सोमवार को यंग इंडिया यूथ चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया की स्वर्ण पदक विजेता रेसलर बबीता फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। वहीं मुख्य वक्ता सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए बबीता फोगाट ने सभी युवाओं को स्वच्छ भारत यंग भारत का संदेश दिया। वहीं सार्थक चतुर्वेदी ने सभी युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के गुण भी सिखाए। सार्थक चतुर्वेदी ने कहा कि युवा अपना रोजगार खड़ा करें और अधिक से अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़कर रोजगार दें। इस संबंध में जानकारी देते हुए बबीता फोगाट और अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने बताया, पूरे भारत देश के अंदर राष्ट्रीय युवा मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम दिया गया है और Y20 चौपाल इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है कि जो G20 है वो युवा मोर्चा जो है उसको ये जिस तरह हमारे भारत देश को जो G20 की अध्यक्षता मिली तो Y20 जो है यूथ की अध्यक्षता के लिए गांव-गांव हर मतलब क्षेत्र के अंदर ये Y20 चौपाल की जा रही है, युवाओं को मोटिवेट करना और युवाओं को बताना कि G20 क्या है और हमारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे देश को मिली है और उसको हमें कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। अपना कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो और जो भी हमारे नेता आके वहाँ पे कुछ भी बताते हैं तो वो एक मार्गदर्शन युवाओं को करते हैं। क्या आपने अपने जीवन में संघर्ष कर काफ़ी उपलब्धि हासिल की, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का सफलता का एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। तो जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक निरंतर मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना। देखिए बहुत ही सुंदर आयोजन जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो जिला इकाई है उसके द्वारा किया गया है। मैं जिलाध्यक्ष मंजीत पुनिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है और युवाओं को एक नई जो सोच के साथ में जो भी नई जानकारियां हैं आज उनको मिली हैं। आज यहाँ पे बबीता फोगाट जी ने भी आके सभी का मार्गदर्शन किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार ऐसे ही सुंदर आयोजन करते रहें। इसी के साथ में बस मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा।